दोस्तों आप सभी इंटरनेट यूजर्स ने आईपी एड्रेस के बारे में तो जरूर सुना होगा। अब आईपी एड्रेस क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके अलग अलग टाइप्स क्या है, इन्हें सब चीजों के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, इंटरनेट पे हम सभी क्या करते हैं, हम सभी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये आप YouTube के किसी सर्वर से फेच कर रहे हैं अपने डायरेक्टली मोबाइल फोन में या लैपटॉप कंप्यूटर में, और आप अपने कंप्यूटर में डायरेक्टली वहां से इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं और अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। या अगर आप कोई भी वेबसाइट देखते हैं, किसी को अगर आप ईमेल करते हैं, अगर आपके पास में कोई ईमेल आता है, कोई मैसेज आता है, तो ये सभी जो है वो दुनिया भर में अलग अलग जगह पे आप बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पे इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे हैं। सिमिलर जैसे कि हमारा पुराना चिट्ठी वाला जो डाक पोस्टल सिस्टम होता था, उसी तरीके से हम एक जगह से कुछ भी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे जगह पे भेज देते हैं। अब दोस्तों जो नॉर्मल आपके पोस्टल सिस्टम में काम में आता है, जैसे कि आपके घर का एक एड्रेस होता है, तो हो सकता है कि आपके रीजन में, आपके लोकैलिटी में जो आप एड्रेस यूज करते हो वो ऐसा हो कि मान लीजिए विला नंबर सो एंड सो, स्ट्रीट नंबर दिस, या स्ट्रीट का नाम आ जाएगा, उसके बाद में किसके नजदीक है कोई लैंडमार्क आ जाएगा, आपके शहर का नाम आ जाएगा, आपके स्टेट का नाम आ जाएगा और आपका काम बन जाएगा। या हो सकता है कि कोई किसी इंसान दूसरे शहर में रहता हो, तो वहां पर ऐसा होगा कि फ्लैट नंबर दिस, बिल्डिंग नंबर दिस, उसके बाद में कंपाउंड कौन सा उसका नाम आ जाएगा और फिर स्टेट का नाम आ जाएगा। तो ये जो एड्रेस है वो सिस्टम यूनिफॉर्म नहीं है, जगह जगह पे आपको अलग अलग स्कीम मिलती है एड्रेसिंग के लिए। कोई कुछ यूज करता है, कोई कुछ यूज करता है, लेकिन इंटरनेट क्योंकि पूरी दुनिया यूज करती है और पूरी दुनिया में डेटा का एक्सचेंज एक जगह से दूसरी जगह पे हो जाता है, तो ऐसे में आपको एक स्पेसिफिक एड्रेस की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। प्रोटोकॉल यानी कि एक सेट ऑफ रूल्स, तो यानी कि एक फिक्स एड्रेस ऐसा बनाया गया है जो सभी के लिए सेम फॉर्मेट में होगा और सभी के लिए अलग होगा और सभी उसको यूज कर पाएंगे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। तो जो नॉर्मल आईपी एड्रेस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि उसके अंदर चार सेक्शंस होते हैं, 0 से लेकर 255 तक की लिमिट होती है हर एक सेक्शन की। ये 32-bit बेस्ड एड्रेसिंग स्कीम है और आपको जो एड्रेस देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल आपको मिलेगा कि 64.25.181.40, तो ये आपका एक यूनिक आईपी एड्रेस है। अब दोस्तों ये जो आईपी एड्रेस है, इसके अंदर लिमिट क्या आ जाती है कि इसको हम बोलते हैं IPv4, यानी कि वर्जन 4। ये जो IPv4 है, ये सिर्फ 4 बिलियन एड्रेसेस ही जनरेट कर सकता है, क्योंकि अगर आप 4 बिलियन से ज्यादा करोगे तो आपके जो एड्रेसेस हैं वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं यूनिक एड्रेसेस की, तो सिर्फ 4.23 बिलियन मेरे ख्याल से ये जनरेट कर सकता है। अब जब ये सिस्टम स्टार्टिंग में पहली बार बनाया गया, जब ये सोचा गया कि हमको जरूरत पड़ेगी इस एड्रेस की, हम इसको यूज करेंगे इंटरनेट पे, उस टाइम पे किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आगे जाके इंटरनेट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि लगभग हर एक इंसान के पास में 5-5, 6-6 गैजेट्स होंगे, लैपटॉप, मोबाइल, आईपॉड, आईपैड, टैबलेट, पता नहीं क्या क्या चीजें, तो कितने सारे आईपी एड्रेस हमको चाहिए होंगे। और ये आज की डेट में 4 बिलियन जो है वो फुल हो चुके हैं, ब्लॉक हो चुके हैं, हमारे पास में नए एड्रेसेस हैं ही नहीं। इसीलिए हमने एक नया सिस्टम डेवलप किया जिसको हमने बोला है IPv6। ये एक 128-bit का एड्रेसिंग सिस्टम है। एक सैंपल IPv6 का जो एड्रेस है मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे कैसा नजर आता है, और इस एड्रेसिंग स्कीम की मदद से हम कितना होगा ये मेरे को तो पता भी नहीं चल रहा है, इतने सारे यूनिक एड्रेसेस हम जनरेट कर सकते हैं। तो आप सोच के देखो कि हर एक इंसान के पास में अगर करोड़ों गैजेट्स भी हो जाएंगे तो भी ये सिस्टम कभी भी फेल नहीं होगा। लेकिन सैड पार्ट ये है कि आज की डेट में भी हम IPv6 को यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ IPv4 को, क्योंकि जो आपकी ISP है, जो आपका राउटर है या मॉडम जो है, उसके अलावा जो आपके वेबसाइट्स हैं, जो उनके होस्टिंग सर्विसेज हैं, उन सभी का IPv6 के लिए एक साथ कंपैटिबल होना बहुत जरूरी है, और वो आज तक मतलब नहीं हो पाया। बेसिकली सिर्फ 1% से भी कम ऐसे होंगे जो हम IPv6 यूज करते हैं, वरना आज की डेट में भी हम सभी जगह पे IPv4 यानी कि आपका ट्रेडिशनल आईपी एड्रेस सिस्टम ही यूज करते हैं। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि हम कब IPv6 यूज कर पाएंगे। और ये जो है, ये सिर्फ एक एड्रेस चेंज नहीं है, सिर्फ एक अलग टाइप का एड्रेस नहीं है, जो आपके डेटा के पैकेट्स होते हैं उनके जो फॉर्मेट्स हैं, जो उनका हेडर फॉर्मेट है, जो पैकेट्स का साइज है, तो वो सभी चीजें भी IPv4 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एफिशिएंट है IPv6 में, और ऑल इन ऑल इंटरनेट की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में थोड़ी सी मदद करती है। लेकिन दोस्तों आप सोच के देखेंगे आज के डेट में कि यार 4 बिलियन थे, सब तो पूरे हो गए, तो आज के डेट में जितने भी लोग नए मोबाइल फोन ले रहे हैं, नए कंप्यूटर ले रहे हैं, तो वो अपना आईपी एड्रेस कहां से जनरेट करते हैं, क्योंकि लिस्ट तो खत्म हो चुकी है। तो उसके लिए हम एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसका नाम है NAT, यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके घर में, आपके फोन में, आपके कंप्यूटर का, आपके टीवी का जो भी आईपी एड्रेस है, अगर आप चेक करते हैं अपने राउटर से, आपको दिखाई देगा 192.168.0.20,
192.168.0.25 192.168.1.15, मतलब कुछ भी ऐसा होता है जो 192.168 वाला होता है। तो ये जो है ये लोकल एड्रेसेस हैं जो आपके मोडम ने, आपके राउटर ने आपके सभी डिवाइसेस को दे दिए हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल आईपी एड्रेस है वो एक ही है। यानी कि ऐसा कि अगर आपने फोन से किसी वेबसाइट कुछ रिक्वेस्ट भेजते हैं तो रिक्वेस्ट चली जाती है, जब वो वापस आती है तो आपका जो राउटर है उसको पता होता है कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई है, इस लैपटॉप से आई है, इस कंप्यूटर से आई है या इस फोन से आई थी, और वो बाद में वो रिक्वेस्ट आपके फोन में आगे ट्रांसमिट कर देता है। तो ये जो एनएटी है इसकी मदद से हम क्या करते हैं बेसिकली कि एक आईपी एड्रेस के पीछे बहुत सारे आईपी एड्रेसेस को छुपा लेते हैं और हम उन 4 बिलियन में ही आज तक काम चला रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में हम कब IPv6 का यूज कर पाएंगे। और आप, मुझे आइडिया है कि इस वीडियो समझ गए होंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है। अगर आपको चेक करना है कि आपका आईपी एड्रेस क्या है तो आप सिंपल गूगल पे सर्च कर सकते हैं व्हाट इज माय आईपी, और आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा कि आपका आईपी एड्रेस क्या है। अब कुछ लोग इसको आईपी चेंज करते हैं, उसके बाद में इंटरनेट यूज करते हैं, सोचते हैं कि पुलिस नहीं पकड़ पाएगी या पता नहीं चलेगा, तो चल जा रहा है पता। बस ये आपके लिए है कि आप टेम्प्रेरी नेट यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो इजिली आपको ट्रेस किया जा सकता है। तो इसका ये मत सोचिएगा कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, कोई भी आप तक नहीं पहुंच पाएगा, वो जरूर आप तक पहुंच जाएगा। तो आईपी चेंज करके कभी कुछ गलत काम करने का मत सोचना। उसके अलावा आईपी एड्रेस क्या है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, एनएटी यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है, IPv6 जो है उसके अंदर कितने सारे एड्रेसेस आ सकते हैं, ये सभी बातें आपको इस वीडियो में पता चल गई होंगी। तो आपका अगर कोई भी इसके अलावा सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना तरह तरह की टेक वीडियोज लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।